शाबाशी, सबको अच्छी लगती है। एंड इन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम किया है, इतने सारे लोगों को बुलाया है उनको सम्मानित करने के लिए, बहुत बहुत एफर्ट गया होगा। और मैं अपना शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, कंग्रेचुलेशंस कहना चाहती हूँ। थैंक यू, आई होप यू ऑल हैव अ गुड इवनिंग। थैंक यू, थैंक यू। सबसे बेटर आज भारत सम्मान, मुझे इनवाइट किया उन्होंने तो मैं बोला भारत सम्मान एक बड़ी चीज़ है, गॉड ब्लेस, ये मैं भी इसका पार्ट बन जाऊँ कुछ। आ गया मैं आपके आशीर्वाद से जी। आफ्टर गदर के बाद गदर बिल्कुल मच रहा है सर, अभी भी फुटफॉल रियल है, अभी भी लोग देखना चाह रहे हैं। कुछ तो जगह पर शोज़ बढ़ाने की भी बात हुई है जहाँ तक मुझे पता है, अब आगे क्या होता है वो भगवान ही जानता है। सर गदर की लगातार नहीं नहीं सर ऐसा कुछ नहीं, मैं बताऊँ फिल्में सारी अच्छी हैं, फिल्म सब चलनी चाहिए, हमारे लिए सिनेमा इम्पोर्टेंट है, अगर सिनेमा चलता है तो हम सब यहाँ हैं, मुझे ऐसा लगता है। हर पार्टी में नहीं, कोशिश होती है कि जहाँ से जहाँ प्यार से बुलाते हैं मैं बिल्कुल पहुँच जाता हूँ। आज इस लायक बना दिया है गदर ने कि मुझे लोग बुला रहे हैं, बहुत प्यार है सबका। सर गदर के बाद जो है काफ़ी जो है बहुत तारीफ हो रही है, अगर पॉलिटिकल की बात करें या कोई एक्टर की बात करें काफ़ी तारीफ करें, कैसे देखते हैं जब जो है उसी मूवी को सराहा जाता है? बहुत अच्छा लगता है, सराहा जाना चाहिए क्योंकि अच्छी फिल्म है, अच्छी फिल्म को सराहा जाना चाहिए। सर गदर 2 के बाद जो है एक जवान मूवी आई है जो कि शाहरुख खान की जो है, उसे भी लोग जो है तारीफ कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने भी उनकी तारीफ कर रखी है, कैसे देखते हैं जब जो है पॉलिटिकल मंच के भी उस हर फिल्म को तारीफ कर? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं उसके ऊपर, बहुत अच्छी बातें जो हैं कही जा रही हैं उसके अंदर, तो जो अच्छी बातें हैं और सिनेमा के थ्रू कही जाती हैं, एक मैसेज मिलता है, तो वो एक अच्छा प्रयास है हम लोगों का, फिल्म वालों का। सर क्या आपने जवान मूवी देखी है? बिल्कुल देखी है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा वो है, एंटरटेनिंग है बहुत, और शाहरुख भाई तो उनका क्या कहना, वो किंग खान है। ये वो पाइपलाइन में है कुछ, जैसे ही वो पानी गिरेगा मेरे हाथों में आएगा, मैं सबको बताऊंगा कि ये है मेरे हाथ में। पता नहीं ये मैं एक्चुअली सच बताऊं मैं आगे का नहीं सोचता, जो जिस वक्त वो कहते हैं ना गो विद द फ्लो वाली बात, बस वो जैसे चलते हैं चलता रहता हूँ, जो चीज़ आ जाती है और लगती है कि मुझे कर लेनी चाहिए मैं कर लेता हूँ। सर आपको कोई और फिल्म आने वाला है? उसी के बारे में बता रहा हूँ, जल्दी बताऊँगा जी। ठीक है सर, थैंक यू। प्रति नरेंद्र मोदी विकास महंते बात कर रहा हूँ। भाई और बहनों, श्रेया भारत अवार्ड 2023, इस समारोह में आज मुझे इस समारोह के जो ऑर्गेनाइज़र है मिस्टर हेमंत राय, उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है। पहली बार तो मैं बधाई दूंगा, ऐसे ही बड़े बड़े कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए, क्योंकि ऐसे अवार्ड्स जिसको भी दिया जाता है, आज ये जो भारत अवार्ड बहुत सारे अनेक कलाकारों को मिलने जा रहा है, हर क्षेत्र में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, असामान्य काम किया है, ऐसे लोगों को अवार्ड देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, लोगों का मनोरंजन करते हैं, इतना ही नहीं तो सामाजिक कार्य भी करते हैं। तो हौसला अफजाई करना, हर जो संस्था है उनका ये काम है, और हेमंत राय बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, जिसको भी अवार्ड मिल जाता है साथियों उसे बहुत अच्छा लगता है, उनको एक प्रोत्साहन मिल जाता है और काम करने की और एक उम्मीद पैदा हो जाती है, इसीलिए ऐसे अवार्ड्स हर जगह होने चाहिए, और जहाँ जहाँ मुझे बुलाया जाएगा मैं कोशिश करूँगा उस अवार्ड में अपनी उपस्थिति देने के लिए। पहली बात तो किसी का चेहरा लेके चलना कहाँ तक ठीक है, ये मेरे सामने भी एक प्रश्न चिन्ह है,
मगर ऐसा है कि आज मोदी जी हिंदुस्तान में ही नहीं तो पूरे दुनिया में उनका एक मान सम्मान है, और ऐसा एक व्यक्तिमत्व का चेहरा अगर मुझे मिला है तो उसका फ़ायदा उठाना ये मेरा कहीं कर्तव्य बनता है। उनके कहीं संदेश जो है मैं स्टेज पे जाके देने की कोशिश करता हूँ। आज सामान्य लोगों में वो आ नहीं सकते, मगर मैं कहीं भी जाता हूँ लोग फ़ोटो निकाल लेते हैं, सेल्फी निकाल लेते हैं, शेक हैंड करते हैं, तो लोगों को बहुत आनंद मिलता है। सर, आज प्रधानमंत्री का जो है जन्मदिन भी है, क्या शुभकामना देना चाहेंगे? नहीं, बस आने वाले दिनों में उनके हाथों को बल देना अब सबका कर्तव्य है, क्योंकि उनका काम हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में बहुत बड़ा काम होने जा रहा है, तो इस बात को सोचना ज़रूरी है। इसमें बहुत ज़्यादा बात कर सकता हूँ, मतलब उतना वक्त अपने पास है नहीं, मगर आप देख रहे हो कि कैसे उनका काम चल रहा है, तो आने वाले दिनों में उनके हाथों को बल देना ये आप सभी का कर्तव्य है, उतना आप ज़रूर करें। वही तो मैं कहना चाहता हूँ, आप समझना चाहते हो तो यही मुझे कहना है कि इलेक्शन जल्दी आने वाला है, अगर आप सबका अगर भला चाहते हो, आपका परिवार का भला चाहते हो, तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के हर कैंडिडेट को बड़ी संख्या में चुन के लाना, चुन के देना आप सभी का कर्तव्य है, बस ये आप करोगे। चलो, धन्यवाद। आप थोड़ा उधर खड़े हो जाए। ओके, हाँ बिल्कुल, हम लोग सभी, आप लोग भी जब कोई आपको सराहता है और अप्रिशिएट करता है तो अच्छा लगता है। मुझे भी भारत सम्मान मिला है, बहुत ही खूबसूरत ट्रॉफी है, मुझे ये इसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी लगी। It's got, it's beautifully crafted and अच्छा लगा, अच्छी शाम थी, अपने गाने गाए जो सभी को अच्छे लगते हैं, अच्छी शाम थी। हाँ जी, हाँ नहीं, आई थिंक लोग इंडिया शाइन भी तो कर रहा है, इंडिया कमाल भी तो कर रहा है। मैंने अंदर जो कहानी बताई हाँ वही कि लास्ट मंथ जब मैं अमेरिका में थी, यूएसए में सैन फ्रांसिस्को, वहाँ पे भी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं हमारे इंडियंस, तो उस परेड के लिए मुझे बुलाया था जहाँ झांकियाँ वगैरह निकलती हैं, तो सबसे आगे तांगा था जिस पे मुझे बैठना था, तो जब मैं वहाँ जाके बैठी जो हमारी सामने बसंती थी वो गोरी थी जो तांगा चला रही थी, और जो घोड़े को चला रहे थे वो एक गोरे थे, तो मुझे लगा हम उनके देश में आके अब तांगे में बैठते हैं और वो तांगा चलाते हैं, और वो एक समय था जहां वो हमारे देश में थे और हम उनके लिए तांगा चलाते थे, तो आई थिंक इट वाज अ वेरी यू नो ग्रेट मोमेंट फॉर मी टू फील दैट कि हमने जो है अपना देश वापस ले लिया और हम उनके देश में भी घुस गए हैं, तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ, पसंद भी हो गई है। सो हाँ, तो मैंने उसका बहुत वीडियो बनाया। मैं अब अपने इंस्टाग्राम पे डालूंगी वो, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जैसे आपने कहा ना कि इतने सारे अवार्ड्स हो रहे हैं, तो इंडियंस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो अब सबको लगता है कि हमें भी अवार्ड मिलना चाहिए, सिर्फ बेस्ट एक्टर क्यों, यू नो। तो इसमें कृषि के लिए भी है और बाकी फील्ड्स के लिए भी है, और उसमें कलाकार भी हैं। हम लोग गाना वाना गा लेते हैं तो ऐसा लगता है कि सब फिल्म स्टार्स को ही मिल रहा है, पर ऐसा नहीं है, जो कमाल कर रहे हैं अपनी अपनी फील्ड्स में उन सबको अवार्ड्स मिल रहे हैं। जैसा कि आपके वो एक्टर थे शाहरुख खान जी का जवान मूवी, बहुत अच्छी जा रही है, आपने देखी कैसे लगी? मैंने अभी देखी नहीं है, मैंने कहा ना मैं अभी वहाँ से आई हूँ, बट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और बहुत अच्छा लग रहा है, और सारी फिल्म हिट हो उनकी। मैं
मैं श्रेया फाउंडेशन को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, वो काफ़ी काबिल-ए-दाद है। ऑल द वेरी बेस्ट टू देम। और जिस तरह का इन्होंने ये आयोजन किया उस फंक्शन का, वो भी बहुत अच्छा हुआ। और हेमंत राय साहब और उनकी एंटायर टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। हाँ, ये कुछ है, आएगा जल्दी तो पता चलेगा। थैंक यू। पिक्चर है, मूवी मूवी। थैंक यू। मैं यही कहूँगा कि जो वहाँ मैंने स्टेज पे कहा था कि श्रेया फाउंडेशन ने हर फैकल्टी को देखा है, परखा है और गरीबों की मदद की है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो गरीब मुफलिस हैं उनकी अगर मदद करते हैं, विधवाओं के बच्चों को अगर आप परवरिश करते हो और उनको शादी, उनकी शादियां कराते हो, इससे बड़ा नेक काम हो ही नहीं सकता। मैं समझता हूं कि दिस इज समथिंग वेरी गुड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अवार्ड। कोई जुड़ा हुआ नहीं हूँ, बस मैं जब भी बुलाते हैं मैं चला आता हूँ। ये सेकंड टाइम आया हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।